तो गाइस अभी अपने गुफा के अंदर आ चुके हैं। देखिए पीछे मेरे एंट्रेंस है गुफा का, तो चलते आ गया। पहले के टाइम यहाँ सम गार्डन वगैरह बहुत ज़्यादा आते थे और नीचे पत्थर वगैरह खेलने थे, लोग नहीं आते थे। बट अब देखो सफाई हो गई है, बट फिर भी अगर यहाँ लाइट ना हो लिटरली वैसे आपको डर लगता है यहाँ आने में। बट अभी भी गाइस काफ़ी अंधेरे आ गए, आप देख नहीं पा रहे होंगे अच्छे से। रुको गाइस फ्लैश ऑन करते हैं। ये देखिए गाइस, देखिए गाइस काफ़ी अंधेरे आ गए, काफ़ी मिट्टी भी उड़ रही है, मेरी आवाज़ गूंज रही होगी, पता चल रहा है काफ़ी लंबी गुफा है इस मंदिर में। अभी अपने आए हुए अपने पवनपुरी, और पवनपुरी में अपने नागेश्वर मंदिर थोड़ा आगे आते हैं, तो अपने यहाँ पीछे गुफा वाला मंदिर जो आप पीछे देख सकते हैं, ये बीकर में बहुत फेमस मंदिर है। बट काफ़ी लोग इस मंदिर में जानते भी नहीं है, और बहुत कम लोग इस मंदिर आए हुए हैं। पीछे अपने गुफा है, गुफा के अंदर मंदिर है, और यह मंदिर है अपने अन्नपूर्णा माता का, और एकमात्र मंदिर अन्नपूर्णा माता का जो अपने यहाँ स्थित है पूरे बीकानेर में, एक ही मंदिर है अन्नपूर्णा माता का। और यह मंदिर गाइस 200 साल पुराना है, और काफ़ी लोग इस मंदिर के बारे में नहीं जानते बीकानेर में रहने के बावजूद भी। तो गाइस ये अपने नागनीची मंदिर के पास मंदिर स्थित है अन्नपूर्णा माता का, इसको मंदिर नाम है गुफा वाला मंदिर, तो आप आइए विजिट करिए एक बार ज़रूर। तो गाइस ये अपने मंदिर के एंट्रीज है, यहाँ से मंदिर चलते हैं। देखिए गाइस एक मंदिर अपने यहाँ है, काफ़ी पुराना मंदिर है, ये 200 साल पुराना मंदिर है। ये था झरने वाला मंदिर जो इस यहाँ पीछे देख रहे हो, पत्थर पड़े अभी यहाँ से। पूरे बीकन में एकमात्र मंदिर अन्नपूर्णा माँ का, दिखाते गाइस आपको पूरा ये मंदिर। ये देखिए गाइस ये अन्नपूर्णा माँ है, देखिए इस पूरे बीकन में एकमात्र मंदिर है अन्नपूर्णा माँ का। पीछे व्यू देख सकते हो, कितने प्यारे व्यू गाइस, ये दिखाते हैं आपको मंदिर, पूरा मंदिर दिखाएंगे। और काफ़ी कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं, आप आइडिया लगा जान सकते हो गाइस कि आधा बीकानेर इस मंदिर के बारे में नहीं जानता था। लोग कहते हैं झरने वाला मंदिर, और पूरे बहुत से लोग आए हुए नहीं हैं, और यहाँ बहुत बढ़िया शांति है। तो गाइस आप ज़रूर इस मंदिर आए और देखें। देखिए गाइस चलते अंदर, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है आधा किलोमीटर है। देखिए गाइस ये अपने आ गए, ये अपने बाबा रामदेव का मंदिर। देखिए गाइस ये अपने रामदेव बाबा का मंदिर है। देखिए गाइस ये रामदेव बाबा यहाँ विराजमान है, ये अपने रामदेव बाबा घोड़ा। वृक्ष गाइस आप वृक्ष देख रहे हो, इस वृक्ष के बारे में बताते हैं कि 400 साल पुराना वृक्ष है। अरविंद ओए उल्टी है, वापिस आ। देखिए गाइस ये वृक्ष 400 साल पुराना वृक्ष है गाइस, आप आइडिया लगा सकते हो 400 साल पुराना वृक्ष, पूरे मंदिर 2 साल पुराना है। तो गाइस बात तक चट्टाने गिरी हुई है, चट्टानों के अंदर से एक संत आए थे यहाँ कोई, उन्होंने ये मंदिर स्थापना करे, गुफा बनवाई है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत शांति है यहाँ पे। तो आप एक बार ज़रूर आए विजिट करें मंदिर, देखिए गाइस हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी शायद हनुमान जी यार ये बजरंग बली देख कुमकुम लागरन सिंदूर हनुमान जी है ये बजरंग बली। ये गाइस चलते हैं गुफा के अंदर। गाइस ये अपने माता रानी का मंदिर है, यहाँ से थोड़ा आगे आते हैं। अच्छा ये देखिए ये शीतला माता का, इस ये अपने शीतला माता का मंदिर है। चलते हैं गाइस दिखाते हैं आपको आगे का मंदिर। ये देखिए गाइस हनुमान जी, ये अपने गणेश जी है, ये अपने अरविंद भाई साहब में घूम रहे हैं। चलिए गाइस सब चलते हैं गुफा के अंदर, और आपको गुफा दिखाते हैं अंदर से कैसी है। बट लिटरली गाइस व्यू देखिए आप, ये बहुत शांति है यहाँ पे। अब बिरू जी जा रहा हूँ पला था, अब बेरो क्या पूछता यार। ये देखिए गाइस ये अपने साइड में बैरू जी का मंदिर भी है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस ये अपने भैरवनाथ विराजमान है यहाँ पे, भैरवनाथ। अब दिखाते हैं गुफा, अपने चलते गुफा के अंदर गाइस, गुफा दिखाते हैं आपको। बहुत प्यारा मंदिर है, और काफ़ी लोग इस मंदिर को जानते भी नहीं है, बहुत कम लोग इस मंदिर में आए हैं। देखिए ऐसा लिखा हुआ है गुफा मंदिर सेवा समिति, ब्लॉगर में आई एकदम तोंद ब्लॉगर का धीरे बोल धीरे, कहीं बोलो चलते गाइस अंदर एक और बंदा दिखा।
इस चलते अंदर से दिखाता है गुफा, दरवाजा खोलते हैं। तो गाइस अपने गुफा के अंदर आ गए, देखिए एंटर होते ही अपना, ये देखिए गाइस ये गणपति बाबा विराजमान है, ये अपना गणेश जी का मंदिर यहाँ पे है गणपति बाबा। चलते गाइस आगे, तो ये देखिए गाइस थोड़ा आगे चलेंगे तो अपने सामने हनुमान जी विराजमान है। इधर आप देखिए जी शिव जी है सामने, अन्नपूर्णा शिव जी है, जय शिव शंकर जय बजरंगबली। तो गाइस अभी अपने गुफा के अंदर आ चुके हैं, देखिए पीछे मेरे एंट्रेंस से गुफा का, तो चलते आ गया तो दिखाते हैं आपको गुफा का अंदर से। अभी कोई मंदिर है क्या? बॉर्डर लगता था लोगों को कि गुफा के चारों तरफ यहाँ ऊपर लगे चमगादड़, तो गाइस आना बहुत मुश्किल था गुफा के अंदर, लोग डरते थे इस गुफा में आने का। पर अभी क्या हुआ ना कि काफी साफ सफाई वगैरह हो गई है, लाइट वगैरह लग चुकी है, तो यहाँ डर की बात नहीं है जी, अरे लोग आराम से आते जाते हैं। पहले के टाइम यहाँ चमगादड़ वगैरह बहुत ज़्यादा आते थे और नीचे पत्थर वगैरह खेलने वैसे लोग नहीं आते थे, बट अब देखो सफाई हो गई है, बट फिर भी अगर यहाँ लाइट ना हो लिटरली वैसे आपको डर लगता है यहाँ आने में। बट अभी भी वैसे काफ़ी अंधेरे आगे आप देख नहीं पा रहे होंगे अच्छे से, रुको फ्लैश ऑन करते हैं। ये देखिए गाइस, देखिए गाइस काफ़ी अंधेरा आगे, काफ़ी मिट्टी भी उड़ रही है, मेरी आवाज़ गूंज रही होगी पता चल रहा है, काफ़ी लंबी गुफा है इस मंदिर में। चलते अपने आगे गुफा दिखाते हैं और कितनी लंबी है इस, ये देखिए दिखाते हैं गुफा पूरी, ये देखिए इस काफ़ी लंबी गुफा ही है मंदिर है, अंदर काफ़ी मिट्टी भी उड़ रही है, पैरों में मिट्टी मिट्टी आ रही है। हेलो, देखिए इस गुफा का डिज़ाइन पत्थर से अपने आप बनी हुई है, ये कोई आर्टिफिशियल गुफा नहीं है। हेलो, गाइस ये अपना एग्जिट है, काफ़ी लंबी गुफा है, तो आप जब भी आए तो इस मंदिर जरूर आए गाइस, बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ अंदर से। गाइस अपने बाहर आ चुके हैं ऑफिस से, ये अपने शिव जी बैठे सामने, ये हनुमान जी, चलते बाहर गाइस गुफा से। ये गाइस ये अपने आके शाम के टाइम बैठ भी सकते हैं, ये देखिए कुर्सी वगैरह लगी हुई है, ये पिंपल वगैरह का काफ़ी शांत है यहाँ पे, जब भी टाइम मिलेगा इस आप इस मंदिर जरूर विजिट करें एक बार आए। ये देखिए गाइस कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है, व्यू बहुत प्यारा गाइस यहाँ पे, ये देखिए गाइस व्यू देखिए मंदिर का बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो आप जरूर इस मंदिर आए विजिट करें एक बार। वो देखिए गाइस कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है, मैं दुकान पर और जो नहीं भाई जी अब्बार पुगा तो अब्बार आतो हार।